आज जब देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, तब देश के प्रधानमंत्री चीन और जापान के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। इस मोदी सरकार से आहत होकर इस देश का एक एक नागरिक परेशान और दुखी हो चुका है। ये झूठी सरकार जो 2 लाख नौकरियों के लिए बात कर रही थी युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए 15 लाख रुपए पर व्यक्ति के नाम से, जनधन के नाम से बात करती थी कि उनके खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा, वो आज तक जुमलेबाजी ही साबित हुई। ऐसी सरकार जो महिलाओं की असमत लुटने के बाद भी चुप और मौन धारण करी हुई हो, हर प्रदेश के अंदर हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कार जैसी घटनाएं जब सामने आ रही हैं, उन जैसी घटनाओं को देखते हुए भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं। समय समय पर मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आखिर आप क्यों अब मन की बात क्यों नहीं करते? देश की महिलाएं जब रोडों पर कैंडल मार्च लेकर रोडों पर उतर चुकी हैं, तब देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, उनके वर्तमान विधायक सांसद चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस के शासन में ये लोग 400 रुपए के सिलेंडर के नाम से संसद भवन घेराव करा करते थे, रोडों पर उतर जाया करते थे। आज जब वही सिलेंडर 850 रुपए का जब हो गया है, तब ये इनके सांसद और इनके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे मंत्री लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। जब मीडिया उनसे सवाल करता है तो उन सवाल के नाम से वो सॉरी करके और एक्सक्यूज करके वो अपने आगे बढ़ देते हैं। आखिर क्यों ये लोग, इनकी सरकार क्यों चुप साबित क्यों चुप हो गई है? तो हमारा बस इसी बातों को देखते हुए पूरे देश के अंदर जो जन आक्रोश है, उस आक्रोश को एकजुट होकर 29 तारीख को रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां पर हम लोग कूच कर रहे हैं, जा रहे हैं, जहां से फिरोजाबाद जनपद से लगभग 3000 कांग्रेसी, जिनके साथ में एक काफ़ी बड़ी संख्या में युवा वर्ग भी मौजूद होगा, हम लोग यहाँ से बसों द्वारा, कार द्वारा और ट्रेन के द्वारा यहाँ से जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी कार्यवाहक अध्यक्षों ने और हम लोगों ने 5 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो हम लोगों की बहुत ज़ोरदार तैयारी है, और जो मोदी सरकार की मोदी सरकार में ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगा। एक जन आक्रोश रैली रामलीला मैदान दिल्ली 29 तारीख सुबह 9:30 बजे। आज नरेंद्र मोदी सरकार को लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लगभग 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और इन 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार अपने हर मोर्चे पर विफल रही है। उसने जनता को केवल ठगा है और लूटा है, चाहे उसने नोटबंदी की हो, GST लागू किया हो, कहते थे किसानों को हम कर्जे माफ कराएंगे, किसान की कीमत का, लागत का 1.5 गुना मुआवजा दिलाएंगे, उसकी फसल का अच्छी कीमत दिलाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, हमारे राज्य में सभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे, बहन बेटियां अपने आराम से घूम सकेंगी। मगर हर जगह पर आज कहते थे कि चीन हमसे डर जाएगा, पाकिस्तान हमसे डर जाएगा, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे देश के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, चारों तरफ जातीय संघर्ष चल रहे हैं देश में, हमारा देश आज गृह युद्ध की स्थिति में पहुंच गया है, हमारे यहाँ पर महंगाई चरम पर पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल आसमान की कीमतें छू रहे हैं। ये आक्रोश आज जनता के अंदर पैदा हुआ है, यही आक्रोश 29 अप्रैल को रामलीला मैदान में हमारा नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे इस जनता के दर्द को इस नरेंद्र मोदी सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। कहते हैं बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, तो राहुल गांधी 29 तारीख को वो धमाका करने जा रहे हैं कि 2019 में इस नरेंद्र मोदी सरकार का पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जन आक्रोश रैली हो रही है, जिसमें जनपद फिरोजाबाद के समस्त कांग्रेसी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने राष्ट्रीय लीडर के हाथ को मजबूत करेंगे। जय हिंद।